Assalamu alaikum. This is Khurram Ali and welcome to my YouTube channel. आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, किसी हिस्से में भी हो दुनिया के, मेरे चैनल पे आपको खुश आमदेद. आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, इसे पूरा एंड तक देखिएगा. ये व्लॉग है द ग्रेट फ्रेयर हॉल एंड फ्रेयर हॉल गार्डन्स के बारे में. मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने इस टॉपिक पे बहुत से व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग आपको लगेगा. मैं आपको इस व्लॉग में फ्रेयर हॉल की हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी और इसकी आर्किटेक्चर के बारे में कुछ मालूमात दूंगा, जो मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे. फ्रेयर हॉल 1863 में इस पर काम शुरू हुआ था और 2 साल के अंदर अंदर इस पर काम मुकम्मल हुआ, यानी 1865 में. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग इस ब्रिटिश राज, जब यहाँ इनकी हुकूमत हुआ करती थी बरसगीर पे अंग्रेज़ों की, तो उन्होंने बनाया था. और इसका मेन मकसद था, इसको एक टाउन हॉल था, ये शुरू में टाउन हॉल के तौर पे बनाया गया था. टाउन हॉल वो होता है जो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी भी सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसी मकसद के लिए इसे बनाया गया था. लेकिन बाद में आजकल इसे लाइब्रेरी के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और एक ख़ास तौर से इसे यूज़ हो रहा है एग्जीबिशन स्पेस के लिए. संडेज़ को यहाँ पर कभी कभी, आजकल तो बारिशें हो रही हैं, संडे को आजकल यहाँ पर बुक फेयर भी लगता है, बुक शॉप्स भी आती हैं, बुक स्टॉल्स भी आती हैं. ओके, पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1865 में ये इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी. फ्रेयर हॉल टाउन हॉल के तौर पे बना था, लेकिन ये जो इसका प्रेजेंट नाम है फ्रेयर हॉल, ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे सिंध के, सर हेनरी बार्टल फ्रेयर, ये उनके नाम पे हुआ था, रखा गया था, क्योंकि उनको कुछ उनकी खिदमत ऐसी थी सिंध के लिए, उन्होंने बहुत खिदमत की थी यहाँ की सूबे के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उस वजह से इनको ट्रिब्यूट में इस बिल्डिंग का नाम फ्रेयर हॉल है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. वजह ये कि सर हेनरी बार्टल फ्रेयर ने सिंध के लिए बहुत काम किया था, उन्होंने यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत डेवलप किया और जनरेट किया, जिससे सूबे के लोगों को ऑब्वियसली फ़ायदा हुआ, पैसे का रेलपेल हुआ. नंबर टू, जो बहुत बड़ा, इससे बड़ा उनका एक कारनामा है, वो ये कि जनाब उस वक्त सिंध में पर्शियन लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ होती थी, लेकिन सर हेनरी बार्टल फ्रेयर ने ये किया कि उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को ख़त्म किया और यहाँ की जो नेटिव सिंधी लैंग्वेज थी उसको लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया. अब देखिए, पर्शियन लैंग्वेज से हमारा क्या लेना देना, हमें तो यहाँ सिंधी ज़बान की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों की ये ज़बान जो है उसको लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, और इन्होंने बहुत से अच्छा काम किया, जिसको ट्रिब्यूट देने के लिए इनका इस बिल्डिंग का नाम फ्रेयर हॉल रखा गया. आजकल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए मेरे पास एक एडवाइस है कि बेटा काम करो काम. देखिए, इस बंदे ने अंग्रेज़ होने के बावजूद यहाँ के लोगों के लिए इतना काम किया, आज तक इनका नाम है, लोग इनको पसंद करते हैं, इज़्ज़त की नज़र से बात करते हैं. आप हुकूमत में आए, आप 10 साल 15 साल 20 साल भी हुकूमत करें, अगर लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो आपको कोई याद नहीं रखेगा. तो लोगों के लिए काम करें जैसे कि ये लोग करते थे. फ्रेयर हॉल की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा फेज़, बड़ा बैड फेज़ आया था, ये 2002 से लेकर और 2011 तक था. हुआ यह था कि आपको भी मालूम होगा, ये तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान में उस वक्त टेररिस्ट अटैम्प्ट हो रही थी और फ्रेयर हॉल क्योंकि US एम्बेसी के बहुत करीब था. मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग बिल्कुल ऑपोजिट है, ये US काउंसलेट था पहले, US एम्बेसी थी टू बी एग्जैक्ट. क्योंकि ये इतना करीब था फ्रेयर हॉल से, तो इस पर काफ़ी अटैम्प्ट हुई टेररिज्म की, इस वजह से फ्रेयर हॉल को बंद करना पड़ा, इस एरिया को बंद करना पड़ा. और जो वॉक करने वाले लोग थे, जो यहाँ पर खुशी से आते थे, उनके लिए बड़ा बैड फेज़ था.
और फिर ऑल बंद रहा 2002 से 2011 तक। तो यूएस एम्बेसी की रिलोकेशन के बाद इसे दोबारा खोला गया, उसकी रौनकें दोबारा वापस आईं और ये आज तक वैसे ही अच्छी तरह कायम दायम है और लोग यहाँ आते हैं, इंजॉय करते हैं, पिकनिक्स करते हैं, वॉक्स करते हैं। अब हम बात करेंगे फेयरवॉल के अमेजिंग आर्किटेक्चर के बारे में। आपको ये बताऊं कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो चार कल्चर्स पे ब्लेंड करके बनाया गया है। इसमें वेनिशियन यानी इटालियन आर्किटेक्चर भी है, उसका टच भी है, इसमें गोथिक यानी जर्मन आर्किटेक्चर का टच है, ब्रिटिश और फिर लोकल सिंध का। इन चारों आर्किटेक्चर्स को ब्लेंड, इन चारों कल्चर्स को ब्लेंड करके इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत, इतना ऑसम बना है कि इसे बार बार देखता रहता हूँ, मुझे बिल्डिंग बहुत पसंद है। तो चलिए लेट्स हैव अ क्लोज़र लुक। जस्ट लुक एट द अमेजिंग आर्किटेक्चर। आपको यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये लोकल लाइमस्टोन यूज़ हुआ है, येलो लाइमस्टोन। और फिर आप देख सकते हैं इसमें जुंगशाही जो कराची के पास ही है, करीब ही है, वहाँ से रेड स्टोन है वो भी इसमें लगाया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, जहाँ जितने भी गार्डर्स और लोहा इसमें इस्तेमाल हुआ है वो सारा इंग्लैंड से इम्पोर्ट हुआ था। ये देखिए, ये लाइब्रेरी का डोर है जो कि इस वक्त बंद है। ये जो मेरे पीछे आप कैनोपी देख रहे हैं और सीधा स्टेयर जा रही हैं, ये गैलरी है। ये वर्ल्ड फेमस हमारे जो पेंटर थे साद कैन साहब, उनकी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, कुछ मुरल्स हैं जो उन्होंने यहाँ की जो रूफ़ है उसको इससे डेकोरेट किया है। तो चलें फिर इसको देखते हैं, आइए। ब्यूटिफुल वुडवर्क, ऑसम। Beautiful. ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ब्लू स्पेस, ये 1987 में सातकियन साहब जब इस पर काम कर रहे थे तो उनका इंतकाल हुआ था और ये ब्लू हिस्सा जब से इनकम्प्लीट ही रह गया है। ऑसम। इसका टाइटल है कायनात। ये इनके कुछ प्राइसलेस फन पारे हैं। सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। आपकी कुछ प्राइसलेस पेंटिंग्स हैं, बिल्कुल प्राइसलेस हैं, एब्सोल्युटली ऑसम। ये देखिए, इसका टाइटल है आफ्ताबे ताज़ा, खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इकबाल साहब की पोइट्री है। और ये देखें, ज़बरदस्त पेंटिंग्स हैं इसमें। ये शायरों शेरों पर भी और कुरानी आयत को भी उसमें ट्रांसलेट करते थे। ये देखिए, सच अ लवली पेंटिंग, इट इज सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यहाँ भी इनके कुछ फन पारे लगे हैं। बस ये वो जगह है जहाँ पर संडेज को बुक बाजार लगता है, इस ग्राउंड में।
फ्रेर हॉल के कॉर्नर में एक मॉन्यूमेंट है, ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इसकी जनाब हिस्ट्री ये कि ये क्वीन के तहत ये सब सब कॉन्टिनेंट वगैरह था, उनकी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो बलोच इन्फेंट्री के कुछ जवान लड़े थे ब्रिटिश एम्पायर के लिए और जो मारे गए, उनको ऑनर देने के लिए, उनकी ब्रेवरी को उनको ऑनर देने के लिए ये मॉन्यूमेंट खड़ा इरेक्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी बहादुरी को या इन खिदमात को जो वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़े, उन्हें अपनी जानें दी, उसी से मैं ये मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। ये बहुत कम लोगों को पता है लेकिन मैं जब भी आता हूँ इसको ज़रूर देखता हूँ, बड़ा खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। तो आइए आपको ज़रा ना करीब से मैं दिखाता हूँ ये मॉन्यूमेंट, ये देखिए। ये जो लोग मारे गए थे जिन्होंने अपनी जानें दी थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे, इंडियन ऑफिसर्स भी थे, इंडियन अदर रैंक्स थे, फॉलोअर्स थे। दो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने थे फ्रेर हॉल के बारे में। एक तो ये है कि यहाँ दो लॉन्स हैं बहुत बड़े बड़े मशहूर लॉन्स, एक किंग्स लॉन है ये, और इसकी जो दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं ये क्वींस लॉन, ये उस ज़माने से इनके नाम रखे गए हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि उस ज़माने में जब समुद्री जहाज़ यहाँ पर आते थे ना, तो उस ज़माने के कैप्टन्स ने जहाज़ के ये अपने लॉग्स में लिखा हुआ है कि जब हम कराची हार्बर को अप्रोच करते थे तो सिर्फ दो चीज़ें हमें नज़र आती थी यहाँ से, एक तो ये फ्रेर हॉल का जो टावर आप देख रहे हैं और नंबर टू होली ट्रिनिटी चर्च है यहाँ पर, स्कूल भी है सदर में वो, क्योंकि और कोई इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, तो ये दो लैंडमार्क से जो नज़र आते थे वहाँ से। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और आप मेरे इस तरह के वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहें। अंडे देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।